एक नए वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी, आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। हमारी ये कार्गो लॉन्च हो गई है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, पूछिए कैसे इसकी बुकिंग करनी है। डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ, आप चाहे तो उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस विमान दुर्घटना की जो कि अफगानिस्तान की पहाड़ियों में हुई, और इसको झूठ मूठ का भारत का एक विमान कहा जाने लगा। साथ ही साथ हमारे रॉ के एजेंट्स की मृत्यु की भी बात इसमें की जाने लगी, और किसके द्वारा? पाकिस्तानियों के द्वारा। पूरी कहानी आप समझिए। असल में अफगानिस्तान के बदकसान प्रोविंस में, जो कि पाकिस्तान से लगने वाला एक प्रोविंस है, वहां पर एक चार्टर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और सुबह में ये खबर निकलकर सामने आई। उसके बाद टोलो न्यूज में ये निकलकर आया, जो कि अफगानिस्तान का न्यूज चैनल है, कि ये भारतीय विमान है, क्योंकि ये भारत से ही टेक ऑफ किया हुआ था। तो पाकिस्तानियों ने ये खबर चलाना स्टार्ट कर दिया कि गया, जहां से ये टेक ऑफ किया हुआ था, ये जा रहा था एंटी तालिबानी ग्रुप को हथियार लेकर, और साथ ही साथ ये भी कहा जाने लगा कि इसमें चार क्रू मेंबर थे। दो इसमें ऐसे लोग थे जो कि दुशानबे में तजिकिस्तान में भारतीय जो रॉ का ऑफिस है, या आप कह सकते स्टेशन है, जिसमें दो रॉ के एजेंट्स भी थे, ऑफिशियल्स भी थे, बाकी चार लोग अन्य क्रू मेंबर्स थे, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से झूठ था। इसकी जो पुष्टि है वो भारत सरकार की तरफ से भी कर दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन की तरफ से भी कर दी गई है, कि जो अफगानिस्तान में प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो भारतीय प्लेन नहीं था, वो मोरक्कन प्लेन था, मतलब वो जो प्लेन था वो रजिस्टर था मोरक्को में। इसके बाद असल कहानी निकलकर सामने आने लगी, और रशियन न्यूज चैनल्स ने या रशियन पत्रकारों ने ये असल कहानी बताना स्टार्ट कर दिया। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक ऐसे कोई बिजनेसमैन थे, बुजुर्ग जो लेडी थी और उसके कपल था दोनों ही, और चार इसमें क्रू मेंबर थे जो भी अन्य ऑफिशियल्स हो सकते हैं। ये असल में एयर एम्बुलेंस थी जो कि थाईलैंड से होती हुई रशिया जा रही थी, मॉस्को जा रही थी, उज़्बेकिस्तान भी शायद इसको जाना था। ये बीच में रिफ्यूलिंग के लिए गया में उतरी, और गया में रिफ्यूलिंग के बाद ये अफगानिस्तान से उड़ती हुई निकल रही थी, तब जाके दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसमें सभी लोग रशियन थे जो इनकी मृत्यु हुई है, भारत से इसका दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है, केवल रिफ्यूलिंग के लिए गया में ये उतरी थी, और भारत के एजेंट की मृत्यु की बात पाकिस्तानी लोग फैलाने लगे। पाकिस्तानी लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? असल में उनके द्वारा जो कल रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसमें एक बिघन डालने की, एक फेक न्यूज़ फैलाने की ये चाल है, और इस तरह की कई फेक न्यूज़ कल तक भी आपको और दिखेंगी और आगे दिखेंगी जब तक चुनाव कंप्लीट ना हो जाए। और फेक न्यूज़ फैलाना तो पाकिस्तानियों की आदत है, क्योंकि है तो वो एक्चुअल में जाहिल, जाहिल के साथ साथ आर्मी पपेट्स भी हैं, तो जाहिलियत और पपेट दोनों ही मिक्स होकर इस तरह की खबरें वो चलाने लगते हैं। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों की तरफ से ये माना गया कि ये विमान भारत से उड़कर आ रहा है, तो इसको मारकर गिरा दो ताकि विघ्न पैदा हो जाए, भारत के अंदर एक सेंसेशन बन जाए कि भाई ये दुर्घटना हो गई है। और ये तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है, छुपे तौर पे कहा जा रहा है, दबे तौर पे कहा जा रहा है कि ये जो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ये नॉर्मल दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है, इसको कोई मारकर गिराया है, और पाकिस्तान के अलावा कोई भी सीमा यहाँ पर लगती नहीं है जिसके द्वारा इसको मारकर गिरा दिया जाए। रशिया ने भी सुबह में ये कहा था कि ये प्लेन रडार से गायब हो गया, और उसके बाद इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई। तो क्या एक्चुअल में ये पाकिस्तान की तरफ से विमान गिराया गया भारतीय विमान समझ के? ये क्लियर नहीं है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या ये ऐसा हो सकता है? और ये भारतीय विमान नहीं था, ये सिरे से खारिज कर दिया गया है, और ये बिल्कुल ही फेक न्यूज थी। अगर कोई इसको फैलाता हुआ मिले तो उसको ये वीडियो जरूर चिपकाइएगा। बात कर लेते हैं जापान की स्पेस एजेंसी की। जापान पांचवा देश ऐसा बन गया है जो कि मून पर सॉफ्ट लैंडिंग किया हो। उसका स्लिम जो एयरक्राफ्ट है, या आप कह सकते हैं लैंडर, वो मून पर उतर गया। उसने अपना सोलर पैनल डिप्लॉय किया, पर सोलर पैनल पे तो लाइट ही नहीं पड़ रही थी, इससे इसकी सप्लाई नहीं मिल पाई इसको, और इसकी बैटरी से जो सप्लाई बची हुई है इसके हीटर वगैरह को बंद करने के बाद ट्रांसमिशन के लिए इसका जो सिग्नल ट्रांसमिशन है उस पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि अगर कोई जानकारी ये भेज सके, या अभी तक की जो जानकारी है वो ज़मीन तक पहुंच सके, जापान के पास पहुंच सके। ये जापानीज स्पेस एजेंसी के चीफ के द्वारा कहा गया है कि ऐसा होता है कि ये जो सोलर पैनल डिप्लॉय हुआ है वो उस एंगल में ना डिप्लॉय हुआ हो जहाँ पर इस पर सूर्य की रोशनी पड़ रही हो। ऐसा 30 दिन के बाद ऐसा एंगल बन सकता है जिससे कि इनके सोलर पैनल पर सूर्य की रोशनी पड़े, और तब जाके ये ऊर्जा इसको मिलेगी, और तब जाके ये जिस चीज़ के लिए बनाया गया है एक्सप्लोरेशन के लिए वो अपना काम कर सके। वैसे तो जापान के द्वारा कई मिशन मून के लिए प्लान किए गए, पर सब अनसक्सेसफुल हो रहे थे, और ये भी अभी तक एक तरह से कह सकें पूरे ऑब्जेक्टिव को प्राप्त नहीं कर पाया है। पर इसमें एक मेन ऑब्जेक्टिव जो कि एक प्रिसाइज लोकेशन पे या एक डेजिग्नेट लोकेशन पे उतरने का जो प्रयास है वो बिल्कुल सफल रहा है।
इनका जहां पर उतरने का प्रयास था वहां से लगभग 100 मीटर के दायरे में ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो उतरा है। अभी इस चीज की पुष्टि अच्छे से नहीं की जा पा रही है कि जो डेजिग्नेट लोकेशन थी उससे कितनी दूर पर ये उतरा था। ये चीज कहा जा रहा है कि एक महीने के बाद ही पता चल पाएगा, पर नासा का जो स्पेस नेटवर्क है उससे ये पता चल रहा है उनको कि कोई एयरक्राफ्ट या स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर उतरा है और उसके बाद इससे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे थे, उसके बाद ये सिग्नल ट्रांसमिट होना बंद हो गए। ये क्लियर नहीं है कि ये बैटरी खत्म होने की वजह से हुआ था या जापान की तरफ से जानबूझ के सिग्नल ट्रांसमिशन बंद किया गया है क्योंकि बैटरी बचाने की आवश्यकता है। बहरहाल पांचवा देश जापान बन गया है और आगे चल के भारत के साथ लूनर मिशन में एक्सप्लोरेशन में भारत के साथ आगे चल के जापान भाग लेने वाला है और जो जापान की टेक्नोलॉजी डेवलप होगी उनको फायदा होगा, उससे भारत को भी फायदा होगा। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं रशिया के एक ऐसे वेरिएंट की, SU-30 के ऐसे वेरिएंट की जिसको SU-30 के नाम से जाना जाता है। ये वेरिएंट जनरली आप किसी देश में नहीं पाएंगे, एक दो देश में पा सकते हैं, वो भी तब जब भारत ने इसको रशिया को वापस कर दिया था। असल में 2001 के समय में रशिया से हमने ये डील करी थी कि SU-30 MKI हम उससे लेंगे, पर जब तक भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक रशिया की तरफ से कुछ SU-30 भारत को दिए गए थे। इनमें कुछ 16 या 18 की संख्या में ये हमारे पास आए थे। इस समय इसको SU-K के नाम से जाना जाता था। भारत ने इसमें कुछ फॉल्ट पाया और इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। 2007 में रशिया को ये वापस कर दिया गया। रशिया ने 2017 में इसके 12 इसमें से अंगोला को बेच दिए, बाकी बचे हुए एयरक्राफ्ट पता नहीं चला कि क्या किया गया। अभी इथोपिया को ये SU-30K बेचे गए हैं। ये क्लियर नहीं है कि सारे बचे हुए एयरक्राफ्ट बेच दिए गए हैं या नहीं बेचे गए, पर जो भारत से रशिया को वापस किए गए थे रशिया ने वो अफ्रीकन कंट्रीज को बेच दिए। इसमें फ्रांस का एवियोनिक्स लगा हुआ था, उस समय का बहुत बढ़िया एवियोनिक्स था। अभी ये क्लियर नहीं हो रहा कि रशिया ने अपना इंडिजिनस एवियोनिक्स इसमें लगा कर दिया है या उस फ्रेंच एवियोनिक्स के साथ ही इनको बेचा गया है। तो आप कह सकते हैं एक तरह से कि भारत के वापस किए हुए या भारत के सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट अंगोला और इथोपिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। बात करते हैं भारत और मालदीव्स के रिश्तों की, तो ये पहले बिगड़ रहे थे, अब कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं। असल में मालदीव ने भारत से ये कहा था कि जितने भी सैन्य अधिकारी या सेना के लोग भारत के मालदीव्स के अंदर तैनात हैं उनको मालदीव 15 मार्च तक वापस करने को कह रहा है, मतलब भारत उन लोगों को वापस ले ले। पर अब जब एक संयुक्त ग्रुप बनाया गया है मालदीव और भारत के बीच के रिश्तों को सुधारने के लिए या बीच का रास्ता निकालने के लिए, तब अब कहा जा रहा है कि मालदीव अगर सैन्य अधिकारियों या लोगों की जगह अगर कोई सिविलियन रहेगा तो वो उसको अलाउ करेंगे। असल में 75 से ज़्यादा हमारे सेना के लोग वहाँ पे ध्रुव हेलीकॉप्टर और ड्रोनियर एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए तैनात हैं भारत की तरफ से, जो कि भारत ने मालदीव को गिफ्ट के तौर पर दिए हुए थे। अब जब इन ड्रोनियर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स इन सबको उड़ाने के लिए जो सेना के लोग तैनात हैं, मालदीव ने जब कहा था कि वापस लेकर जाओ भारत से, तब भारत को ये लगने लगा था कि ये जो असेट्स हैं वो भी भारत को वापस लाना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है लाना भी पड़ता क्योंकि इनको दूसरे लोग तो उड़ा नहीं सकते थे, और ये माना जा रहा था कि चीनी असेट वहाँ पर डिप्लॉय हो जाएंगे। पर भारत ने एक ग्रुप बनाया जिसके तहत बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जाना था। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ठीक है ये इक्विपमेंट रह सकते हैं, पर सैन्य अधिकारियों की जगह यहाँ पर सिविलियन लोग होने चाहिए जो कि इन इक्विपमेंट्स को उड़ाएं, क्योंकि इन इक्विपमेंट से अल्टीमेटली मालदीव्स का भला भी तो हो रहा था, उनको भी आसपास में सर्विलांस रखने में आसानी होती थी, जो भी पायरेट्स हैं उनके देश के आसपास में, जो ड्रग डीलर हैं उनसे भी बचने के लिए, उस देश को बचाए रखने के लिए इन असेट्स का इस्तेमाल किया जाता था, और साथ ही मेडिकल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो अब धीरे धीरे भारत और मालदीव्स के बीच में बीच का रास्ता निकल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में हम लोग ये देखेंगे कि सैन्य अधिकारियों सेना के लोगों के बजाय वहाँ पर हमारे सिविलियन तैनात होंगे। आपका इस चीज़ पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद और जय श्री राम।